वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ दिनों से देव डायनास्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने गोहार देव था इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कापोर देव के बारे में। कापोर देव, देव डायनास्टी कापोर देव हम पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर जे की हम। ठीक, तो कापोर देव जो था इसने 1530 से लेकर 1571 एडी तक रूल किया। इसने 1530 से लेकर 1571 एडी तक रूल किया। इसने अपने किंगडम को इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, बाहू एंड जम्मू। बाहू इसने इसका वहां का किंग बनाया जगदेव, इसका एक बेटा था, दूसरा संभाल देव जम्मू का। ठीक, तो फिर इसके बाद जो है इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे विथ मगधस के साथ इसके फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। 1703 जो था, मतलब 1703 तक, मतलब मोस्टली उनकी जो फिर रिलेशन रही वो मतलब मगधस के साथ थोड़ा ठीक ही रही टू सम एक्सटेंट। तो ये था कापोर देव 1530 से लेकर 1571 एडी तक इसने रूल किया। इसने अपने किंगडम्स को देशों में डिवाइड किया है, बाहू एंड जम्मू। बाहू का किंग उसने जगदेव बनाया, जम्मू का उसने संभाल देव बनाया। तो फ्रेंडली था विद मगधस। और इसके बाद आता है जगदेव। जगदेव जो है ये प्रॉब्लम्स, मतलब ये बनता है कब तक, टिल 1594 तक कौन रूल करता है, जगदेव। इसको प्रॉब्लम हो जाती है मगधस के साथ और ये करता है रिवोल्ट अगेंस्ट मगल गवर्नर सादिक खान होता है इसके साथ, उसको रिवोल्ट भी होता है अगेंस्ट। ठीक, और गवर्नर ठीक। तो मगल आर्मी जो है, जैसे मतलब शेख फरीद एंड जो हसन बैग है, तो मतलब यहाँ पे सक्सीड हो जाते हैं। जो इसका ब्रदर होता है जिसका नाम होता है लाल देव, मतलब वो मगलस के साथ मिलके फिर ये हो जाता है खत्म। ठीक, जगदेव को मारा जाता है। इसके बाद आता है समाल देव। सिंपल 4 ईयर्स तक ये रूल करता है, 1590 से कल 1594 तक जगदेव ये करता है रूल, संभाल देव। तो सिंपली शॉर्ट पीरियड तक ये रूल करता है। उसके बाद आते हैं संग्राम देव जो है उसकी गुड रिलेशनशिप होती है मगलस से। ठीक, मगलस के साथ इनको गुड रिलेशनशिप रहती है और ये सपोर्ट उस टाइम पे जो कंटेम्पररी होता है, जो इसके टाइम में जब हमारे पास आता है ये संग्राम देव, उस टाइम पे जो यहाँ का किंग होता है वो होता है मगलस का, जो होता है वो होता है जहांगीर, और ये जहांगीर के सपोर्ट में काम करता है। और 1594 से लेकर 1626 तक ये रूल करता है, यानी कि दैट मीन्स 30 ईयर्स तक ये रूल करता है कौन, संग्राम देव। क्यों करता है, क्योंकि इसको मगलस के साथ अच्छा था, तभी तो ये रूल कर पाता है इतने टाइम तक। तो फिर आता है बहुपत देव जो है ये करता है टिल 1656 तक। ये आता है कंटेम्पररी ऑफ शाही जहां, तब ये रूल करता है, तब ये जम्मू का रूल करता है बाबा सिंह, जब मगलस का बादशाह कौन रूल करता होता, शाही जहां। ठीक, इसके बाद आता है हरिदेव जो है वो टिल 1692 तक रूल करता है। तो यहाँ पर कंटेम्पररी जो होता है वो होता है औरंगजेब। उसके बाद आया गाजी देव जो है टिल 1703 तक। तब उस दौर में, उस टाइम पे गाजी देव के टाइम पे 1703 में गुरु गोविंद सिंह जो है, जो 10th सिख ये है, तो वो यहाँ पे विजिट करता है जम्मू में। ठीक, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, उसके बाद आता है दहरू देव जो है टिल 1733 तक रूल करते हैं, और ये गेव शेल्टर देता है किसको, सिख वॉरियर को, बंदा बहादुर को, एंड हेल्प करता है टू राइज अगेंस्ट मगलस। तो मगलस रूल यहाँ पे मतलब मगलस को खत्म करने के लिए
तो हमने इससे पहले जो लेक्चर देखा था वहां पे भी हमने जब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ी थी तब हमने देखा था जो है हरी सिंह जो है उसका रूल भी खत्म हो जाता है, इसका रूल भी खत्म हो जाता है तभी इसी का रूल आ जाता है, मतलब तब ये करते हैं मंगल्स को सपोर्ट करते हैं और ये इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते हैं, खुद को कहते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, पहले आते हैं हमारे पास देव डायनेस्टी में, जो अभी हमने पढ़ा है वह है कपर देव। इससे पहले हमने गोहार देव तक पढ़ा था। कपर देव 1530 AD से लेकर 1571 AD तक ये अपने रूल को अपने किंगडम्स को डिवाइड करता है, बहु जगदेव के ओर देता है उसको हाथ में देता है और जुम्मू संभाल देव को देता है, और उसकी जो रिलेशन होती है फ्रेंडली रिलेशन होती है किसके साथ, मंगलस के साथ। इसके बाद आता है जगदेव, जगदेव जो है उसको प्रॉब्लम हो जाते हैं मंगलस के साथ, और फिर शेख फरीदुद्दीन और हसन बैग जो है ये इसको हरा देते हैं, और फिर ये मतलब इसकी जो है मृत्यु भी हो जाती है, यानी इसकी डेथ हो जाती है, मतलब किसकी वजह से, जो इसका लाल देव होता है वो सपोर्ट करता है मंगलस को। इसके बाद आया संभाल देव, संभाल देव का फोर्थ शॉर्ट पीटर होता है 1590 से लेकर 1594 तक, यानी 4 ईयर्स तक ये राज करता है। इसके बाद आता है संग्राम देव, संग्राम देव गुड रिलेशनशिप पीटर मंगलस का रखता है और जहांगीर को ये करता है सपोर्ट भी करता है, और इसकी जो हुकूमत रहती है 30 ईयर्स तक रहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1594 से लेकर 1626 है। इसके बाद आया बहपुदेव, बहपुदेव जो है टूल टिल 1656 तक रूल करता है, तब जो मगध एम्पायर का इसके दौर में होता है वो होता है शाहीजहां। इसके बाद आता है हरिदेव, हरिदेव 1656 से लेकर 1692 तक रूल करता है, तब जो कंटेम्पररी इसका होता है वो होता है औरंगजेब। उसके बाद आता है गाजी देव, वो करता है 1692 से लेकर 1703 तक वो रूल करता है, तब यहाँ पे मशहूर एक जो गुरु आता है गुरु गोबिंद सिंह आता है जो विजिट करता है जम्मू। उसके बाद आता है दहरुदेव टिल 1703 से लेकर 1777 तक रूल करता है, 1733 तक रूल करते हैं, और शल्टर देते हैं सिख वॉरियर को बंदा बहादुर को ताकि ये हालत करे उसको अगेंस्ट किसके, मंगलस, एक बिकम्स इंडिपेंडेंट रूल। अब हम पढ़ते हैं रंजीत सिंह के बारे में, रंजीत सिंह और बाकी जो रूलर्स हैं। अब हमने देखा है, अब देखते हैं और आगे महाराजा रंजीत देव के बारे में। महाराजा रंजीत देव जो था ये भी एक प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट लीडर रूलर था। अभी हम देखेंगे वजह भी, मतलब ये क्यों था प्रोमिनेंट लीडर। ठीक, तो ये था इक्वलिटी, ये इक्वलिटी मतलब हर एक बंदे को इक्वलिटी इक्वलिटी ट्रीट करता था, और इसके बाद जो मतलब बैन उसने सती को बैन किया है अपने दौर में। ठीक, उसके बाद जो है पॉइट, ये पॉइट मतलब पोएट्री में एक मतलब ये पोएट्री भी करता था खुद भी, तो अफगान रूल तब जब ये कश्मीर जब ये रूल इसने किया है 1725 से लेकर 1781 में, तब जो कश्मीर में उस टाइम अफगान का क्रिवलिटी रूल भी चल रहा था। तो मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर जब हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ा था वहां पे मैंने देखा था बताया था महाराजा रंजीत देव जो है इसको जब तरस आया था कश्मीर पे तो इसने एक मतलब अटैक किया था, लेकिन करमदत्त खान जो है तो वो यहाँ पे जीत ही नहीं पाया, यहाँ पे जीत ही नहीं पाया था। करमदत्त खान जो था उस टाइम रूलर था अफगान का, मतलब आई मीन अफगान रूलर था कश्मीर का। उसके बाद आया ब्रिज रॉय देव, इकोनॉमिक उसके टाइम बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे इन्वेडर्स हुए, इन्वेडर्स ने मतलब अटैक किया यहाँ पे, तो तब हमारे पास जो है ब्रिजदेव आया, और ब्रिजदेव जो है इकोनॉमी स्लो हो गई, और जनरल मीन मोटा मोता मोता जो है इसने हेल्प किया है जनरल मीन मोता ने किसको, ब्रिज रॉय देव को, और ये फिर मारा गया ब्रिज रॉय देव। इसके बाद आता है संपूर्ण देव, संपूर्ण देव जो आता है वो आता है 1789 से लेकर 1799, यानी कि 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स मतलब के आसपास ही यहाँ पर रूल करता है जम्मू में। फिर आता है जीत सिंह जो लास्ट रूलर होता है। अब देखते हैं यहां तक हमने क्या देखा, हमने देखा महाराजा रणजीत सिंह जो है 1725 से 1725 से लेकर 1781 तक इसने रूल किया है, ये इक्वलिटी यानी कि वो मतलब अच्छा इंसान था। ठीक,
ठीक था, और इसने सती पे बैन भी की थी, ये पोएट भी था, मतलब पोएट्री में बहुत सारा उसका शौक था। और अफगान रूल तब जब ये महाराजा रणजीत सिंह जो मतलब जम्मू पे रूल कर रहा था, जब इसके कंटेम्पररी यानी कि उसके मतलब यहाँ पे कश्मीर में किसका रूल चल रहा था, अफगान का रूल चल रहा था जो था करीम दत्त खान। उसके बाद आया ब्रिज रॉय देव, जो इकॉनमी उस टाइम स्लो हो गई थी, तो जनरल मेन मुद्दा ने इसकी हालत की, लेकिन ये है ब्रिज रॉय देव, ये मारा गया। इसके पास आया संपूर्ण देव ने 1789 से लेकर 1799 तक रूल किया, यानी 10 ईयर्स तक उसने रूल किया एटलीस्ट। और इसके बाद आता है जीत सिंह, जो लास्ट रूलर, जो बैटल ऑफ जम्मू जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं गुमत वार, जो 1808 बिटवीन राजपूत और सिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे जो राजपूत हैं वो हारते हैं और सिख जो हैं वो जीतते हैं। तो फिर जो गुलाब सिंह यहाँ पे एक वॉरियर जो उठता है, तो इसको जो महाराजा जो यहाँ पे होता है रंजीत सिंह जो है लाहौर दरबार का होता है, वो इसको अपॉइंट करता है एज ए कमांडिंग ऑफिसर, इसको अपॉइंट करता है एज ए कमांडिंग ऑफिसर, और इससे यहाँ पे सिख जो है वो एंटर करता है कश्मीर में, जो सिख होते हैं वो करते हैं एंटर कश्मीर में, और जो लोकल लोकल होते हैं वो अगेनेस्ट हो जाते हैं इसके मतलब गुलाब सिंह के। और फिर जो मैन दीदो होता है वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक, तो मतलब लड़ते लड़ते इसके साथ गुलाब सिंह के साथ, और गुलाब सिंह जो है उसको मतलब टाइटल मिलता है फिर राजा इन 1822 में, और ये कंकर करता है पुंछ, राशि, लद्दाख, बलिस्तान, राजौरी, एंड वो फिर बनता है रूलर ऑफ जम्मू। तो जो फिर जब ये जम्मू का बन जाता है, तो फिर हमने देखा जो महाराजा गुलाब सिंह होता है ये क्या करता है, तो फिर ये ईस्ट इंडियन कंपनी जो होती है उससे जम्मू एंड कश्मीर जो है 7.5 मिलियन मतलब रुपये से खरीद लेता है, तो फिर ये बनता है फर्स्ट महाराजा प्रिंसली ऑफ स्टेट। इसके अलावा हमने देखा था आगे फिर मतलब इसके मतलब कुछ और जो रूलर्स आते हैं, जैसे प्रताप सिंह है, रणबीर सिंह है, हरी सिंह जो इसका लास्ट रूलर आता है, तो फिर इसके बाद मतलब जब हरी सिंह आ जाता है फिर उसकी जो ये है मतलब जो हुकूमत है वो कम होती जाती है, उनका जो रूल है डायनास्टी रूल, जो मतलब इनका जो महाराजा गुलाब सिंह के आते हैं तो वो जो है कम होता जा रहा है, और इसके बाद उसका मतलब खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं वहां से शेखुल्ला जी का मतलब वहां पे आते हैं कश्मीर क्वाइट मूवमेंट, कश्मीर मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा महाराजा रणजीत सिंह जो है वो इक्वलिटी करता है, वो मतलब रामदीन इंसान था, बैन उसने सती पर लगाई, वो पोएट मतलब शायरी को पसंद करता था और मतलब खुद भी पोएट्री लिखता था, और अफगान रोल जो है उस टाइम कश्मीर में चल रहा था, कौन किसका रोल चल रहा था, करीम दत्त खान, और जब उसने किया था पहला यहाँ पे मतलब कोशिश की थी, जब उसने देखा था अफगान का जुल्म तो ये यहाँ पे आया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। कि इसके बाद आया ब्रिज रॉय देव, जिस इकॉनमी उस टाइम स्लो हो गई थी, फिर जनरल मेन मोटो जिसने जिसने उसको हेल्प की थी उसके दौरान, लेकिन फिर ये मारा गया। तो इसके बाद आ गया है संपूर्ण देव जो है वो आया 1789 से लेकर 1799 तक, यानी 10 ईयर्स तक इसने रोल किया है। उसके बाद आया जीत सिंह जो लास्ट रोल है, फिर हमने देखा है बटल ऑफ जम्मू हो गया, सिख मतलब राजपूत और सिख के दरमियान, वहां राजपूत हार गए और सिख जीत गए, और जब सिख जीत गए वहां जो गुलाब सिंह था वो एज अ वॉरियर वहां पे उठ गया, यानी मशहूर एक अफसर मतलब मशहूर वहां पे हो गया। और जब हमारे पास जो रणजीत सिंह है जो लाहौर दरबार का है, इसने इसको अपॉइंट किया है एज ए ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद सिख यहाँ पे जम्मू में एंटर हो गए, उनके एंटर यहाँ पे हो गया, फिर लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद तो इसको मिल गया है टाइटल किसको, राजा किसको, गुलाब सिंह को, और ये कंकर करता है अपने अंडर पहुंचे रहे लद्दाख, बलिस्तान, राजौरी, एंड वो एंड बिकम द रूलर ऑफ जम्मू। और इसके बाद ये बनता है महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1846 जब बंड ऑफ तेहरान हो जाते हैं, उसके बाद ये बनता है महाराजा। तो यहाँ तक यहाँ पे हो गई हिस्ट्री ऑफ जम्मू खत्म, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म।